हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका डॉली किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम भिंडी को एक अलग तरीके से बनाना बताते हैं। भिंडी को हम जैसे भरवा भिंडी बनाते हैं अचार मसाला भर के, वैसे ही आज इसको हम कट करके बहुत आसान तरीके से बनाते हैं और बहुत ही कम समय में बनाते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। भिंडी को हम यहाँ लेंगे और भिंडी को हम धो लेंगे। भिंडी को हम पहले ही धुलते हैं, बाद में भिंडी में धुलने पर अजीब सा हो जाता है, इसलिए भिंडी को पहले धुल लेंगे। और भिंडी को हम 20 से 4 पार्ट में ऐसे कट कर लेंगे। आप 2 पार्ट में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 पार्ट में कट कर लेंगे। अचार मसाला जैसे हम लोग भरकर भरवा बनाते हैं भिंडी का, वैसे हम भिंडी को वैसे ही बनाएंगे, लेकिन अलग तरीके से बनाएंगे। भिंडी को काट कर और उसमें भी अचार मसाला ही डाल के बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडी काट ली है। यहाँ पर मैंने 4 प्याज ले लिए, उसको छील लिया। प्याज आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि प्याज डालने पर टेस्ट इसका अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 प्याज लिए और इसको हम ऐसे स्लाइस में काट ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने भिंडी का बिया नहीं अलग किया हुआ है, क्योंकि भिंडी का बिया भी इसमें अच्छा लगेगा। वैसे जब भिंडी कुरकुरी बनाते हैं तो भिंडी के बिये को हटा देते हैं, पर यहाँ पर भिंडी का बिया इसमें रहेगा। अब सारी प्याज को हम कट कर ले रहे हैं। हम यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल हम इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि भिंडी तेल में ही ज़्यादा कुरकुरी और अच्छी बनती है। इसमें मैंने यहाँ पर मेथी डाल दिया है तड़के में, और थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम सुनहरा होने तक पका लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे, हल्का सुनहरा होते ही तक पका लेंगे, क्योंकि उसमें ऐसी ही प्याज अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर इसमें हम लहसुन और मिर्चे का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। 2 से 3 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसको हम बहुत ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, इसको हल्का ही ऐसे सुनहरा गुलाबी कलर में रखेंगे। इसमें भिंडी डाल दे रहे हैं। भिंडी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी को यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे। वैसे तो भिंडी को ढककर नहीं पकाया जाता, भिंडी फूट जाती है, पर इसमें हमने भिंडी को 1 मिनट के लिए ढक दिया है, क्योंकि यहाँ पर भिंडी को थोड़ा सा हम पका लेंगे तो भिंडी अच्छी बनेगी। और फिर दोबारा से हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए भिंडी लगभग लगभग हो गई है और ये भिंडी पक गई है। अब इसको यहाँ पर ढकेंगे नहीं, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला हम इसमें अचार मसाला जो बनता है उसको डालेंगे 2 चम्मच। अचार मसाला जैसे यहाँ पर धनिया, सौंफ, मंगरेल, मेथी, जीरा, या सारी चीज़ें भून कर पीसे रहते हैं अचार मसाला, वैसे सारा मसाला मैंने यहाँ पर पीस के डाला हुआ है। और यहाँ पर हम धनिया और मिर्चा भी भून कर उसको भी 2 चम्मच डालेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देंगे। मसाला आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अचार मसाला भर के ही हम भरवा भिंडी बनाते हैं, कलौंजी जिसको बोलते हैं, वैसे हम इसको उसी तरह से बना रहे हैं। बस इसको हम काट कर बना रहे हैं बहुत आसान और सिंपल तरीके से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और नमक यहाँ पर हम स्वाद अनुसार डाल देंगे। हम इसमें नमक अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, और प्याज भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, तो आप प्याज भी डाल सकते हैं और मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पर ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जिससे मसाला अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और देखिए भिंडी हमारी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है मसाला में। अब भिंडी तो पहले ही पक चुकी थी, मसाले को बस 2 मिनट के लिए उसमें मिक्स करके पकाना था। तो अब हम पका चुके हैं लगभग लगभग। इसको हम 2-3 मिनट ऐसे चलाते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। और भिंडी देखिए हमारी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर अब इसको निकाल लेते हैं। मसाला आप अपने हिसाब से डालिएगा, यहाँ पर मैंने बहुत कम मसाला डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारी भिंडी बनकर तैयार है। और इस तरह से आप भिंडी ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे हम भिंडी भरकर बनाते हैं, वैसे हम इसको काट कर बनाए हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीके से है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल भरवा भिंडी की तरह। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।